एबीपी लाइव 100 न्यूज पर बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज की मुख्य हेडलाइन, 2022 पंजाब में बादल परिवार ने डाला वोट, मुलायम ने यूपी में किया मतदान। राजस्थान कोटा में बड़ा हादसा, चंबल नदी में गिरी बारातियों की कार, दूल्हा समेत 9 लोगों की मौके पर हुई मौत। यूपी चुनाव, कानपुर की मेयर ने बीजेपी को वोट डालने की तस्वीर की थी, सर डीएम के आदेश पर हुआ एफआईआर दर्ज। हाथ धो लो। नो। अधिक भाभी, ये हाथ ही नहीं धोता तो अच्छी बात है ना, अब हम अकेले अकेले फन करेंगे। हाथ धोने का तो करेगा मन, क्योंकि नया डेटॉल फोमिंग हैंड वॉश मेक्स इट फन। इसका मॉइस्चर रिच फोम फैले इवनली और दे 10 गुना बेहतर जर्म प्रोटेक्शन। न्यू डेटॉल फोमिंग हैंड वॉश। प्रतापगढ़ में जयमाला के दौरान प्रेमी ने खून से भर दी दुल्हन की मांग, दूल्हे के उड़े होश। वह पति की चेतावनी के बावजूद भी पत्नी करती थी देर रात किसी शख्स को फोन, हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी। चीन के साथ रिश्ते नाजुक के दौरान में सीमा के हालात से ही तय होंगे संबंध, जयशंकर। समीर वनखड़े के बढ़ सकती है मुश्किलें, फर्जीवाड़ा कर होटल का लाइसेंस लेने का आरोप में दर्ज हुआ एफआईआर। मैनपुरी सीएम चेहरे को लेकर मणिपुर बीजेपी में बवाल, दोहराया जा सकता है आसाम का फार्मूला। और 1945 के बाद यूरोप में सबसे बड़ी जंग छिड़ने के कगार पर, रूस अमेरिका बोला हमला किसी भी वक्त। पंजाब में 11 बजे तक 18% मतदान, बादल परिवार में भगवंत मान ने मतदान भी किया। यूपी विधानसभा चुनाव तीसरे फेज के मतदान में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती। यूपी चुनाव 2022, शिवपाल सिंह यादव का दावा, सपा गठबंधन जीतेगा 300 से ज्यादा सीटें, सीएम योगी को लेकर कही ये बातें। यूपी चुनाव 2022 कमेटी में शुरू हुआ इमोशनल राजनीति, रो रो कर वोट मांग रहे या गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटियां। प्रधानमंत्री को मुस्लिम बेटियों से प्रेम, मजहब एक ड्रामा, योगी और अखिलेश से है संविधान को खतरा, अवेसी। यूपी इलेक्शन तीसरे चरण की वोटिंग से पहले शिवपाल यादव ने लिया मुलायम का आशीर्वाद। यूपी पंजाब सभा में अखिलेश ने डिंपल के साथ डाला वोट, बोला बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम करना नहीं है। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिल्ली में
नाबालिग ने ईंट से कुचलकर की दोस्त की हत्या, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। नशे की हालत पूरी करने के लिए करते थे लूट, अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के 5 लोग हुए अरेस्ट। दिल्ली में पैसों के लेन देन को लेकर कारोबारी की गोली मारकर हत्या, गल्फ लिंक पर मिली लाश। कानपुर झाड़ियों को मिली 7 साल की बच्चे का शव, महीने में चौथा घटना। कानपुर सपा ने लगाया कानपुर के बिठोर में फर्जी मतदान का आरोप। जब आप रोजाना की जिंदगी में चीजें टच करना अवॉइड करते हैं तो फिर हैंड वॉश को क्यों छू लेते हैं? इसलिए पेश है एडवांस डेटॉल नो टच। बस हाथ बढ़ाइए और हैंड वॉश कीजिए, जर्म ट्रांसफर का नो टेंशन। न्यू डेटॉल नो टच हैंड वॉश। वहीं यूपी इलेक्शन 2022 तीसरे चरण में 61 सीटों पर मतदान शुरू, अखिलेश शिवपाल सहित कई दिग्गजों की तय होगी किस्मत। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में आज रात से हटाए गए नाइट कर्फ्यू। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 22,270 नए मामले दर्ज, वहीं पॉजिटिव की रेट 2 के नीचे। सुल्तानपुर 190 लंबा विधानसभा बसपा प्रत्याशी अविनाश सिंह उर्फ गुड्डू ने नगर पंचायत लंबा में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली खबरों में।